आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। एनटीपीसी के महाप्रबंधक अनिल कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी बिजली की कमी नहीं होगी और जल्द ही कोयले के संकट से भी निपट लिया जाएगा। खबर औरैया से है जहां एनटीपीसी के महाप्रबंधक अनिल कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। देश के कोयले की कमी और बिजली संकट पर अनिल कुमार सिंह ने कहा कि कोयले का संकट बेमौसम बारिश की वजह से गहराया है, लेकिन अब एनटीपीसी ने बिजली संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और 10 से 15 दिन में कोयले की समस्या से भी निपट लिया जाएगा। वहीं जीएम ने बताया कि औरैया के एनटीपीसी में 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। जो कोयले का संकट का बात चल रहा है, हमारा जितने एनटीपीसी के प्लांट हैं, आधे से ज़्यादा प्लांट में तो हमारे पास 4 से 6 दिन से 8 दिन का अभी भी कोयला है और कुछ प्लांट में 2 दिन 3 दिन का कोयला है। ये जो हम बोलते हैं 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ते का कोयला है, ये टोटल कैपेसिटी पे कैलकुलेशन होता है। जैसे जहाँ हमारा मान लीजिए 10,000 कोयला का खपत है, तो वो बोलते हैं अगर 20,000 है तो 2 दिन का है, जबकि हमारे पास रेगुलर कोयला आता भी है। तो सपोज हमारे पास 8,000 कोयला आया तो 2,000 ही कम पड़ा और मेरे पास 20,000 कोयला है, तो उस हिसाब से हमको 10 दिन का कोयला है। बट जो कैलकुलेशन दिखाते हैं और जो भी आप सुनते हैं, जो मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ न्यूज में या मीडिया में, वो जो कैलकुलेशन होता है वो हमारे पास भी इंटरनल कैलकुलेशन यही होता है। सपोज विंध्याचल हमारा सबसे बड़ा प्लांट है, वहाँ सपोज 1 दिन का हमारा जो है 70 से 80 हज़ार टन कोयला लगता है। अब हमारे पास सपोज कि 2.5 लाख कोयला है स्टॉक में, तो अगर वो दिखाएंगे फिजिकली तो बोलते हैं 4 दिन का कोयला है, लेकिन हमारे पास रोज़ कोयला आता भी तो है, तो 50,000 सपोज रोज आ रहा है, 60,000 आ रहा है, तो 10,000 ही तो कम हुआ। औरैया से सुनील कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। खबर उन्नाव से है जहां विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक पंकज गुप्ता और जिलाधिकारी मौजूद रहे। उन्नाव के विकास भवन सभागार में आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के काशीराम कॉलोनी, लोधनहार, आदर्श नगर और रामपुरी आदि के 54 अंत्योदय कार्ड धारकों को सदर विधायक पंकज गुप्ता और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आयुष्मान कार्ड प्रदान किए। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत अंत्योदय लाभार्थियों को